फुग्गे वाली, आप देख सकते हो बहुत अच्छा बलून बना है। चैनल आज मैं आपको फुग्गे वाली स्लीव बताऊंगी जिसमें इलास्टिक नहीं डालूंगी। इलास्टिक वाला मैंने वीडियो बना दिया है तो आप उसमें देख लीजिए। ये देखिए, पहले मैं कपड़े को डबल कर दूंगी। काटने का तरीका सेम है इलास्टिक वाले स्लीव की और फुग्गे वाली स्लीव की। ये जो कपड़े का बंद भाग है वहाँ पे मैं लूंगी, ये 4 इंच लंबाई लूंगी और 2 इंच पे एक निशान कर दूंगी। अभी इसी 4 इंच से 4 इंच तक मैं इधर एक लाइन खींच दूंगी और यहाँ पे भी मैं 4 इंच पे खाली निशान कर दूंगी। अभी देखिए अपनी चौड़ाई जो रहेगी वो यहाँ से नापेंगे, जो मेरी ये 6 इंच मेरी फिटिंग है, नीचे चौड़ाई है और 2 इंच जो है मैंने मार्जिन रखा है। और यहाँ पे जो मैंने 2 इंच का निशान किया है, ये देखिए अपनी जैसे लंबाई है 4 इंच, उस पर मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। इस 2 इंच से मैं बगल की गोलाई का नाप लूँगी। 7.5 इंच मेरी बगल की गोलाई है और 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा है मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे 2 इंच पे मैं लाइन खींच दूंगी। तो अभी देखिए ये जो स्लीव का शेप बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे, हल्का हल्का गोलाई दे देंगे, ये देखिए। और यहाँ से मैं तिरछा मिला दूंगी। आप चाहे तो देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप जो ये लंबाई का निशान करके जो 4 इंच लेते हैं उस कपड़े को आप फोल्ड कर दीजिए और फिर अपना नॉर्मल स्लीव का नाप ले लीजिए जैसे बनाते हो, फिर उसको खोल के कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए स्लीव को कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ पे जो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी और सेंटर में कट लगा दूंगी। अभी देखिए मेरा जो ये बचा हुआ कपड़ा है यहाँ से मैं सीधे एक पट्टी निकाल दूंगी। जो मुझे पट्टी चाहिए, मेरी 6 इंच तो रेडी है और 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8 इंच पट्टी लूंगी। ये पट्टिंग इस चौड़ाई के अकॉर्डिंग लूंगी। ये देखिए जो 4 इंच छोड़ के ये है वहाँ से लूंगी। तो आप 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लीजिए चाहे आप 2 इंच की लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैं चुन्नट लगा दूंगी। ये जो मैंने कट लगाया था इस कट से मैं 1 इंच पीछे रखूंगी इसको। और यहाँ से देखिए आप छोटा बड़ा आपके अकॉर्डिंग चुन्नट ले लीजिए, दो दो तीन तीन चुन्नट एक साथ लीजिए और किनार पे सिलाई लगा दीजिए। मैंने सिलाई ले ली है, चुन्नटें ले ली हैं। अभी स्लीव को आप डबल कर दीजिए। डबल करके स्लीव को नाप लेंगे। 7.5 तो मेरी फिटिंग है और 2 इंच मैंने मार्जिन रखा था तो टोटल इसको नाप लेंगे 9.5 इंच है ये। ये देखिए मेरे 9.5 इंच है बरोबर, 9.5 इंच आ गया है। अभी आपको देखिए ये जो मैंने चुन्नटें ली हैं वो दोनों लेवल पे आनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपका कपड़ा प्लेन दिख रहा है और इधर चुन्नट आगे तक है तो आप यहाँ की चुन्नट एक दो खोल के इधर एक दो लगाइए, दोनों को लेवल चाहिए। अभी आपको मैं नीचे चुन्नट लगा के बताऊंगी। ये देखिए जो मेरी ये चुन्नटें हैं इसी का ही सीध लेंगे, इधर और इधर दोनों तरफ सीधी लाइन खींच देंगे। अभी यहाँ से लगा के यहाँ तक चुन्नट लेनी है तो इसमें देखिए आपने इस तरफ ली है तो इसके इस तरफ चुन्नट लेंगे, इसके अपोजिट लेंगे। तो यहाँ पे मैं दो दो तीन तीन एक साथ लेके किनार पे सिलाई लगा दीजिए। इसमें नीचे की किनारे पहले मोड़नी नहीं है, आपको डायरेक्टली चुन्नट लेनी है। इसको भी फोल्ड कर दूंगी मैं और चौड़ाई भी अपन नाप लेंगे कि चौड़ाई चाहिए मुझे 6 इंच तो रेडी चाहिए और 2 इंच मैंने मार्जिन रखा था यानी टोटल 8 इंच। तो ये देखिए चौड़ाई मेरी 8 इंच हो गई है। अभी मैं आपको ये जो मैंने पट्टी काटी थी स्लीव को उल्टा कर देंगे और पट्टी को भी उल्टा रखेंगे और आधा आधा इंच की सिलाई पर मैं सिलाई लगा दूंगी।
ये देखिए सिलाई लग गई है। अभी उसको सीधा करके और इस सिलाई वाले भाग को मैं इधर रख दूंगी और यहाँ पे हल्का सा मोड़ देंगे और ये जो मैंने सिलाई लगाई है इस सिलाई के हल्की सी आगे रख के पट्टी को मोड़ देंगे। देखिए आप चाहे तो इस पट्टी को चौड़ी चाहिए तो आप 2 इंच की काटिए और पाइपिंग जैसी चाहिए तो और भी पतली काटे, 1 इंच की काटे। ये मैंने 1.5 इंच की काटी थी। मोड़ मोड़ के आप सिलाई दे दीजिए। सिलाई देते समय इस ऊपर वाले कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना है, देखिए नीचे वाले को खींचना है और ऊपर वाले को ऐसे लूजिंग छोड़ना है ताकि कपड़े में बेलन नहीं पड़े, फिनिशिंग अच्छे से आए। देखिए आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको नई वीडियो और दूसरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चुन्नट वाली बहुत सारी अलग अलग कटिंग होती हैं तो मैं आपको हर टाइप की कटिंग का वीडियो भेजूंगी स्लीव के लिए। अभी एक नीचे सिलाई और लगा देंगे, इस पट्टी के नीचे की साइड में लगा देंगे। आपको नहीं लगानी है तो मत लगाना। ये देखिए स्लीव बन गई है, बहुत सुंदर बन गई है बलून वाली स्लीव, तो आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत सुंदर स्लीव बन गई है फुगे वाली, आप देख सकते हो बहुत अच्छा बलून बना है। थैंक यू।